माननीय सभासद, माननीय उपसभापति जी, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, मिस्टर जाफर यू हैव ऑलरेडी स्पोकन। जी सर, यू मेक द कंक्लूडिंग लाइन। थैंक यू वेरी मच सर। कंक्लूडिंग तीन दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे, इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे विस्तार से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऑपोजिशन बेंच इंस्टेड ऑफ बिहेविंग रिस्पॉन्सिबिली दे आर बिहेविंग इररिस्पॉन्सिबिली। ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि इसलिए देश के लिए, हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है सर, और इसलिए मैं इसको विस्तार से बात करना चाहता हूँ। आदरणीय मंत्री जी भी यहाँ पर है जो इस पर चर्चा करेंगे, इन लोगों को चर्चा करनी चाहिए थी, चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं देश के परिप्रेक्ष्य में और ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में दोनों बात में करना चाहता हूँ सर। जिस तरह से आज ओमिक्रॉन, जो WHO का जो रिपोर्ट आया सर, उसके हिसाब से आज अनप्रेसिडेंटेड रेट से, WHO ने कहा अनप्रेसिडेंटेड रेट से ये बढ़ता जा रहा है। व्हाट डज दैट मीन सर? ये इट्स अ सीरियस थ्रेट फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी, फॉर ह्यूमैनिटी, एंड दीज पीपल आर नॉट कंसर्न। द ऑपोजिशन वॉइस इज नॉट कंसर्न। दे शुड बी सेंसिटिव अबाउट इट सर, बट दे आर नॉट। सर मैं बताना चाहता हूँ कि आज इंग्लैंड की सिचुएशन देखिए सर, इंग्लैंड में देखिए डेल्टा वेरिएंट भी तेजी से बढ़ रहा है, और साथ साथ अगर आप देखिए तो सर ओमिक्रॉन भी तेजी से बढ़ रहा है। आज सिचुएशन ऐसी है सर कि हमें, हमारी सरकार ने तो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए है सर, और इसकी वजह से आज कंट्रोल है। आज ये ओपोजिशन बेंच इस तरह से कंफर्टेबली यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं पार्लियामेंट, इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से कोविड का ध्यान रखा और कोविड के लिए वैक्सीनेशन करवाया, इसलिए आज इस तरह से बोल पा रहे हैं। लेकिन मैं बहुत संक्षेप में बोलना चाहता हूँ सर कि हमारी सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। आज ओमिक्रॉन दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में फिर भी कंट्रोल है। उसका श्रेय जाता है हमारी लीडरशिप को, हमारी सरकार को, और साथ साथ साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को, जो हेल्थ वर्कर्स को, सभी को जाता है सर। हमारे मंत्री जी हैं यहाँ पर, ऑपोजिशन बेंच से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम आज माननीय अध्यक्ष महोदय,